सर्वप्रथम मैं बापू के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने वालों अपना प्रणाम अर्पित करता हूँ। साथियों, मैं आप सभी को हमारे विकास मोर्चा की ओर से अभिवादन करता हूं और नगर की जनता को ये बताना चाहता हूं कि आज से एक वर्ष पहले बरघाट नगर के नगर परिषद का चुनाव हुआ। जैसा कि आपको मालूम है कि नगर विकास मोर्चा के 13 वार्डों में से 7 पार्षद जीत के आए, भाजपा के 5 पार्षद जीत के आए, कांग्रेस के 3 पार्षद जीत के आए। दोनों ही राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों ने बरघाट के 15 वार्डों में अपने प्रत्याशी खड़े किए। दोस्तों, आपको एक बात फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि बरघाट के विकास को रोकने के लिए, बरघाट के बढ़ते चरण को रोकने के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों ने आपस में गठबंधन किया, जिससे दो दलीय सरकार बनी। ये दो दलीय सरकार नहीं, ये दोगली सरकार है। मैं दोस्तों आपसे बोलना चाहता हूं, अगर हमारी जनता ने सबसे ज्यादा बहुमत, वोटों की तुलना भी कर लो आप, कैलकुलेशन कर लो आप, 7 पार्षदों को इनके 15 वार्डों से ज्यादा मत मिले हमारे, अगर इस शहर की जनता ने हमारे पार्षदों को चुना है तो निश्चित ही हमारे लोगों ने कोई काम किया होगा, कोई सपना ऐसा दिखाया होगा जो वास्तव में साकार करके दिया होगा। आज से बहुत साल पहले, 7 साल पहले शायद पिछला चुनाव हुआ था, मुझे बोलने का इसी मंच से मौका मिला था और मैंने इसी मंच से यह आवाज लगाया था कि अगर हमारे रंजीत भाई को मौका मिलता है तो हम मध्य प्रदेश की सबसे अच्छी सब्जी मंडी बनाएंगे, और हमने वो करके दिया। ये आपके सामने है दोस्तों, मैं आपके सामने झूठ बोलने नहीं आया हूँ, सच्चाई का आईना दिखाने आया हूँ। ये एक वर्ष की सरकार है, 15 अगस्त और 26 जनवरी को बापू को माला पहनाने आती है। मैं पूछता हूँ ये पार्षद से, एक एक बाई दो का पत्थर नहीं लगा पाया आज बापू की प्रतिमा में, जहां मैं खड़ा हूँ वहां देख लो, ये विकास है इनका, इनका विकास है, ये देख लो, एक बाई दो का पत्थर इस स्मारक से गिर गया है। एक तो 1x2 का पत्थर जो सरकार नहीं लगा सकती है, वो क्या इस नगर का विकास करेगी? मैं इसी वार्ड में खड़ा हूं दोस्तों, जिस वार्ड में सबसे अच्छी सब्जी मंडी का हमने उद्घाटन करके दिया। आज शहर का अतिक्रमण नहीं दिख रहा है हमको, अभी भाइयों ने बताया कि नगर के विकास को करने के लिए सब्जी मंडी का अतिक्रमण हटा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपके सामने बहुत कटु और सच्चे मुद्दे लेके आता हूं। मैं जैन समाज से आता हूं, मैं कोई दलगत राजनीति या जाति विशेष की बात करने नहीं आता हूं। जैन समाज के लिए एक स्मारक बनाया गया था इसी वार्ड क्रमांक 4 में, आज उसके बाजू की हालत जाके देखो, चारों तरफ नाली खोद दी गई है, उसकी गंदगी से बचपचा रहा है। क्या नहीं दिखता पार्षद को? क्या नहीं दिखता यहाँ के पार्षदों को, जिनको सबसे ज्यादा वोट देके इस वार्ड के लोगों ने जिताया? उस वार्ड में हमारे जैन स्तंभ का ये आलम है कि वहां गंदगी से बचपचा रहा है। मैं झूठ नहीं बोलता दोस्तों, जाके देख लो, इसी जगह खड़ा हूं, इसी वार्ड में खड़ा हूं, मैं बात मुद्दों की करता हूं। दोस्तों, हमेशा जब बात आती है विकास की तो रंजीत भाई को इसलिए याद किया जाता है कि 40 साल का इतिहास उठा लो और रंजीत भाई का 5 साल का कार्यकाल उठा लो। जो लोग कहते हैं कि रंजीत भाई ने कर्जे में डाल दिया शहर को, अरे मैं शहर के हर एक नागरिक की तरफ से कहना चाहता हूं, अरे आप अपनी दुकान अगर अच्छी चलाना चाहते हैं, आपको बड़ी करना चाहते हैं किसी दुकान को, उसको सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं, तो कई लोग कर्जा भी लेते हैं। अरे अगर हमने नगर विकास के लिए कर्जा किया तो हम चुकाएंगे,
आपसे नहीं बनता है तो आप इस्तीफा दे दो, हम वो काम भी करके बताएंगे। अगर इस शहर की जनता के लिए हमें जेल भी जाना पड़ेगा तो हमारे भाई ने वो काम साकार करके दिखा दिया है और शहर की जनता को यह दिखा दिया है, विकास का आईना दिखाया है जो सच्चाई के साथ हमारे सामने खड़ा है। आज कोई पत्थर में से आप किसी का नाम मिटा दो मगर उस इमारत को बनाने वाले का नाम और उसका व्यक्तित्व हर आदमी के मनोमस्तिष्क में अंकित है। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं दोस्तों, हमेशा एग्रेसिव रहता हूं मैं मगर सच्चाई के मुद्दे पे लोग मुझे कहते हैं कि तुम्हें क्या मिलता है यार, इससे बुराई होगी उससे बुराई होगी, तो दोस्तों मैं इस मंच से फिर एक बार कहना चाहता हूं, मेरा यही अंदाज जमाने को यार खलता है, मेरा यही अंदाज जमाने को यार खलता है कि ये चिराग हवा के खिलाफ ही क्यों जलता है। अरे दोस्तों मैं अगर विरोध की बात नहीं करूंगा तो आईना इनको कौन दिखाएगा। जिस नगर परिषद में आज नगर की सरकार भाजपा और कांग्रेस की गठबंधन सरकार बैठी है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, रोज परिषद जाते हो? कोई जवाब नहीं मिलता। जाते जरूर है भाई मगर उस प्रांगण को देखो जिस परिषद जहां पे बनी हुई है, अभी जाके देखो। मैं कहता हूं मैं झूठे आईने नहीं दिखाता, अभी जाके देखो वार्ड क्रमांक 12 का नगर परिषद के सामने का प्रांगण देखो, कीचड़ से बच बचा रहा है, पानी नहीं निकाल पा रहे, दो दो ट्राली मोरोवर मिट्टी नहीं डाल पा रहे, ये विकास है तुम्हारा? विकास की बात करते हो, अभी लड़ोगे क्या चुनाव फिर कांग्रेस और भाजपा मिलकर विधानसभा का? मैं आपसे पूछना चाहता हूं है? इंदौर स्टेडियम गिर गया, बरघाट के कौन से जागरूक आदमी ने उस चीज की आवाज उठाई? मेंटेनेंस नहीं था। अरे 10 साल कौन से मकान को मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती भाई? 50-50 साल 100-100 साल के पुल चल रहे हैं, इनको 10 साल में इनकी इमारत गिर गई। भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत है वो इंदौर स्टेडियम। मैं जनता को बताना चाहता हूं, झूठे वादे करके अपने विकास को रोक के, शहर के विकास को रोक के, अगर यहाँ के पूंजीपति अपनी बिल्डिंग को बचाने के लिए इस डिवाइडर को रखवाएंगे, मैं अपने सातों पार्षद और विकास मोर्चा के सभी साथियों के सामने इस मंच से बोलता हूँ कि अगर ये इस डिवाइडर युक्त रोड को छोटा करेंगे तो हम इनको छोटा नहीं करने देंगे। शहर की जरूरतें बढ़ती है उसके साथ आकार और प्रकार बढ़ता है। मैं आपको इस मंच से बोलना चाहता हूं साथियों, अगर हमारा शहर बड़ा हो रहा है इसमें कोई रंजीत वासने का खेला या विकास मोर्चा के लोग नहीं चलेंगे, इस रोड से पूरे क्षेत्र के लोग चलेंगे। आवागमन के लिए सुविधा होगी, बच्चों को आना जाना बहुत सुरक्षित होगा। अगर हम इस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं भाई? आज की स्थिति में आपको विकास देखना है, पहले तो देख लिया आपने 5 साल जो रंजीत भाई ने किया वो सब तो दिख रहा है। आज जाओ मोहल्ले में, खंभे हैं लाइट नहीं है साहब, क्योंकि बल्ब लगाने के लिए परिषद के पास पैसा नहीं है। लाखों रुपए की मुरुम डल गई पिछले साल, कहां डली भैया? हमारे 7 पार्षदों को छोड़ दो, अरे अपने 8 पार्षदों की बताओ, और वो ट्राली की फोटो में दिखाता हूं नहीं तो, कितनी भर के आती थी वो ट्रैक्टर ट्राली, कितना मुरम उसके अंदर होता था, कितनी गाड़ियों का बिल निकला है सब जानते। जनता का पैसा ऐसे ही मिला ऐसे ही लुटा दो आप, जनता का पैसा खून और गाड़ी पसीने की कमाई का है दोस्तों, हम उसके लिए तो लड़ेंगे और हमेशा विरोध करेंगे। आप बोलते हो विकास की बात, विकास देखने में सबको समझ आता है, जो हमारे विरोधी है उनको भी समझ आता है, आज उनकी चप्पलें घिस जा रही है जाके, काम कुछ नहीं हो रहा है। आवास योजना की बात करो, गरीबों की हित की बात करो, किसी भी मुद्दे में बात करो, मैं तो इनसे सार्वजनिक मंच में आमना सामना करना चाहता हूँ। नगर सरकार दोगली सरकार, इसलिए बोलता हूँ दोगली सरकार क्योंकि दो राष्ट्रीय स्तरीय पार्टियों की दो दली सरकार, इसलिए मैं इसको दोगली सरकार कहता हूँ। अरे अच्छा किए भाई आपने, एक विकास पुरुष को रोकने के लिए आपने उसके डर के कारण, आपका डर था, जनता को कोई डर नहीं था, जनता ने तो उसको अपना नेता चुन चुका था। दोस्तों अगर विकास की बात करना है, संजीव भैया ने अभी बताया किसी वार्ड का मांग, अरे जहां भैया 12 इंची पाइप की जरूरत है वहां 36 इंची पाइप क्यों डाल रहे हो दादा है? आपको समझ नहीं आ रहा कि फ्लाईओवर बना रहे हैं?
तो ऐसी समस्याएं अगर हमारे सात पार्षदों का वो काम नहीं होने देना चाहते, मैं कहता हूँ सार्वजनिक मंच से बोलो, माँ के दूध पियो तो सार्वजनिक मंच से बोलो कि हम ये सात पार्षदों का काम नहीं करेंगे, हम काम करा के बताएंगे। जनता से वादा करते हैं, जनता के वोट पे अगर जीत के आए तो हम जनता का काम करा के बताएंगे, और अगर आप ऐसे नहीं मानोगे हम ढोल नगाड़े और थाली लेके तुम्हारे घर तक आएंगे और विरोध प्रदर्शन करके जाएंगे। ये मंच से मैं नहीं, मेरे साथ पूरे साथियों की आवाज मैं उठा रहा हूँ, और मैं अपने साथियों सातों पार्षदों के लिए एक बात कहना चाहता हूँ। जो मेरे जामाज पार्षद गण हैं, सातों के साथ एकजुटता का जो परिचय दिखा रहे हैं, भविष्य में भी ये एकजुटता के साथ हमेशा जनता की समस्याओं को लेकर लड़ते रहेंगे। ठीक है, अगर नगर परिषद नहीं करेगी तो मेरा इसी मन से वादा है, एक वादा मैंने आज से 7 साल पहले किया था कि नगर की सबसे अच्छी सब्जी मंडी बनाएंगे। हमने कोई भेदभाव नहीं किए, पिछला पार्षद हमारा विकास मोर्चे का नहीं था, फिर भी हमने किए क्या भाई, पार्षद था उसको जनता ने चुनी, हमको उसका सहयोग करना है, और हमने इस वार्ड में सबसे ज्यादा काम किए। जीता जाता हो उदाहरण है आपके सामने, बाइला कॉम्प्लेक्स इसी वार्ड में, सब्जी मंडी इसी वार्ड में, सब कुछ तो किया, हमने भेदभाव नहीं किया, क्योंकि भेदभाव हम आपसे करके आपसे बदला ले लेंगे, जनता तो हमसे बदला लेगी ना भैया, क्योंकि जनता ने हमको चुनी। मैं अपने सातों पार्षदों के तरफ से एक वादा करना चाहता हूं जनता से, इसी मंच से, कि अगर ये विकास के काम हमारे सातों पार्षद के वार्ड के रोकेंगे तो अगला चुनाव आप इनको मुंह तोड़ जवाब देना। हम सातों पार्षद की तरफ से, मैं विकास मोर्चे की ओर से ये वादा करता हूं कि मूल के साथ साथ हम ब्याज भी आपको वापस देंगे, और दुगनी ताकत से आपके विकास के काम आपके वार्ड के लिए करके देंगे, और हम सौतेला व्यवहार नहीं करेंगे, दूसरे वार्डों में भी काम करेंगे, क्योंकि इस शहर की जनता हमारे लिए सौतेली नहीं है। पार्षद हो सकता है किसी पार्टी से किसी दूसरे दल से जीत के आया हो, मगर मैं कहता हूँ नगर के विकास में वो हमारा सहयोगी है तो हम उसके सहयोगी हैं। हम नगर विकास के लिए अपनी महत्वाकांक्षाओं और अपनी कोई गलत नीति को उन पर थोपना नहीं चाहते, हम नगर विकास की बात करना चाहते। और साथियों और भी वक्ता है मेरे, बहुत ही प्रखर वक्ता है हमारे।